हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो है कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू हेयर, यानी कि जो हमारे डेली हेयर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ड्राई एंड्स, बाल झड़ जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते, कुछ ऐसे स्पॉट्स जहाँ पे बालों की कमी है। सिर्फ ड्राइनेस ही नहीं, तो आप जब भी कोई बो या फिर क्लिप टाई करते हो और जब उसे निकालते हो तो उसके साथ बाल तो आसानी से निकल जाते हैं। सो आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक ऐसा हेयर ऑयल, होममेड हेयर ऑयल, जो आपके इन सारे डेली प्रॉब्लम्स के लिए एक सोल्यूशन होगा। सो लेट्स बिगिन। ये हेयर ऑयल बनाने के लिए हमें लगेंगे सिर्फ ये 6 प्रोडक्ट्स, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये आपके नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये हर एक प्रोडक्ट किस तरह से बेनिफिशियल है आपके हेयर ग्रोथ और आपके स्कैल्प के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे जाके आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले कंटेनर में हमने लिया कोकोनट ऑयल, और क्वांटिटी कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि आप इसे किस बॉटल में या फिर किस कंटेनर में आप स्टोर करने वाले हो। तो मैंने बस 20 ml लिया है क्योंकि मेरे पास छोटी बॉटल है और मैं उसमें स्टोर करूँगी। एंड बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल, हम सब जानते हैं कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। कैस्टर ऑयल में है एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। अगर आपके बाल स्टिंक करते हैं, अगर या फिर आपको बेवजह इचिंग होती है, कैस्टर ऑयल विल हेल्प यू इन दैट। हिबिस्कस फ्लावर एंड हिबिस्कस लीव्स, उनके तो मेजर बेनिफिट्स है हेयर ऑयल में। हिबिस्कस लीव हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और हिबिस्कस फ्लावर हमारे हेयर फॉल को कम्प्लीटली स्टॉप करेगा। फेनिग्रीस सीड्स विल हेल्प जहाँ जहाँ पे ऐसे स्पॉट्स हैं, आपके बाल झड़ चुके हैं और आपके नए बाल नहीं आए हैं, वहाँ पे फेनिग्री सीड्स विल हेल्प इन दैट। एंड एलोवेरा इज़ वन ऑफ दी अमेजिंग सोल्यूशंस फॉर डैंड्रफ। ये सब ऐड करने के बाद मैंने इन प्रोडक्ट्स को कर लिया बॉयल, कम्प्लीटली बॉयल, जब तक इनके एक्सट्रैक्ट्स ऑयल में उतर नहीं जाते। उसके बाद मैंने स्ट्रेन कर लिया इसे, और इसे स्टोर किया है मैंने एक प्लास्टिक बॉटल में। और सिर्फ एक पंप भी अगर मैं ये हेयर ऑयल लेती हूँ तो मेरे पूरे स्कैल्प को और मेरे पूरे बालों को ये लग जाता है। मेरे हेयर लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, सो ये मुझे हेयर ऑयल जाएगा एटलीस्ट 2 months। सो मैंने एक रात पहले ये हेयर ऑयल लगाया था एंड नेक्स्ट मॉर्निंग इसे वॉश कर दिया। सो आप देख सकते हो कि मेरे बालों में एक नेचुरल शाइन आ गया है, मेरे बाल स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हैं। और ये हेयर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ लगभग 3 महीनों से, आप बोल सकते जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, एंड मेरे बाल स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ऐसे कोई स्पॉट्स नहीं है जहाँ पे बोल्डनेस है, और मेरे बालों में नेचुरल शाइन भी आ चुकी है, और हेयर ग्रोथ भी कम्प्लीटली इम्प्रूव हो चुकी है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, और एक और बात कि आपको ये हेयर ऑयल यूज़ करना है 2x a week, और इसे शैम्पू एंड कंडीशन करना है। That's all for this video. I hope you enjoyed it.